वो धोखे बाद सीए पकड़ा गया जिसने फिल्म अभिनेता अन्नू कपूर को चूना लगाया था। मैं तो कम से कम शायद 6 साल से तो डील कर ही रहा था ना, तो 6 साल से जो व्यक्ति आपको सही टाइम के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हो, पैसा दे रहा हो, आपके अकाउंट में हो रहा है, बिल्कुल 10 से 11 तारीख को हो जाता था, अब अचानक उसको क्या हुआ है? लोग तो कह रहे हैं कि हम तो 12 साल से उनके साथ डील कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे निकला जो 17 साल से डील कर रहे थे। लाखों की रकम को करोड़ों में बदलने का झांसा देने वाला फ्रॉड गिरफ्तार हो चुका है, जिसने फिल्म और थिएटर अभिनेता दीपक शर्मा के लाखों की रकम उड़ा ली। मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, स्टार्टिंग में मैंने 10 लाख रुपए किए थे और उसके बाद जब मुझे 1 साल तक प्रॉपर इंटरेस्ट आता रहा, पैसा आता रहा, तो शायद मुझे थोड़ा लालच और आया और मैंने 30 लाख के करीब और किया। और मैं थोड़ा बहुत निकालता रहता था, करता रहता था उनके साथ, और बहुत अच्छे डीलिंग चल रही थी। वो आदमी मिलने में भी बहुत मीठा था, सब चीज़ें थी, मुझे कभी लगा नहीं कि वो ऐसा करेगा, क्योंकि जो जिन लोगों को मैं जानता था वो 17 साल से उनसे पैसा ले रहे थे। ऐसे 592 अन्नू कपूर और दीपक शर्मा हैं जिनकी गाड़ी कमाई पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अंबर दलाल ने धोखे का पानी फेर दिया, और वो रकम मामूली नहीं है बल्कि 380 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी है। इसीलिए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा 14 मार्च से ही अंबर दलाल को ढूंढ रही थी, जो उस दिन से ही लापता हो चुका था। 13 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दलाल को देहरादून से गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब दलाल की तलाश शुरू की तो पता चला कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए समय समय पर होटल बदल रहा है। उसी क्रम में वो मुंबई से देहरादून तक पहुंच गया था। वहां बुधवार को गिरफ्तारी के बाद दलाल को मुंबई लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से अदालत ने उसे 2 अप्रैल तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पोंजी स्कैम का मास्टरमाइंड फरार चल रहा आरोपी अंबर दलाल को मुंबई पुलिस ने और आर्थिक अपराध शाखा ने देहरादून से गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश कर 2 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। आगे की जांच जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या उन तमाम आम लोगों के पैसे अब भी अंबर दलाल के पास है। अब आर्थिक अपराध शाखा ये पता लगाने में जुटी है कि कैसे अंबर दलाल ने करोड़ों का चूना कई नामचीन लोगों से लेकर आम लोगों तक को लगा दिया। अभी तक की जांच में पता चला है कि अंबर दलाल के पास लोग 15 साल से भी ज्यादा समय से निवेश करते आ रहे थे। जांच में ये भी निकल कर आया है कि महीने का 2% ब्याज पर लोगों ने कम से कम 5 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का निवेश किया हुआ है। अंबर दलाल के पोंजी स्कीम में पैसा लगाने वाले सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन और दुबई के भी लोग हैं। अब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इस पड़ताल में लगी है कि अंबर दलाल का मोडस ऑपरेंडी क्या है। दलाल के सताए लोगों के पास उसके झांसे की तमाम कहानियां हैं। बहुत सारे लोगों ने पैसा जो लगाया था वो अपना जीवन भर की पूंजी लगा दी थी। इवन मैंने भी अपना जितना डिपॉजिट, जितना कुछ मेरे पास था, मैंने सब अपना उसको वहाँ लगा दिया था, कि मुझे लगता था कि मुझे रिटर्न आ रहा है, तो उससे मेरा घर चल रहा था, कुछ मेरे खर्चे चल रहे थे। क्योंकि और ये मैंने आपको बताऊं कि 21-22-23 के दौरान जो मैंने अभी पता किया है कि उनको सबसे ज़्यादा डिपॉजिट मिला है, सबसे ज़्यादा पैसा उनको मिला है। कोविड में शायद हो सकता है कि हमारी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि हम डर गए थे कि अगर काम धंधे सब बंद हो गए तो कैसे करेंगे, शायद ये रास्ता हमको ठीक लगा और उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए, मैंने अपने जीवन में देख लिया है कि आप जब भी छोटा लालच करेंगे आप फंसेंगे। अंबर दलाल का मामला सबके लिए एक नसीहत है कि 1-2-4 करने के चक्कर में कहीं आपकी गाड़ी कमाई 4-1 ना हो जाए। देहरादून से किशोर रावत के साथ मुंबई से सुजाता द्विवेदी और सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अंबर दलाल गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन 13 दिन तक वो पुलिस को चकमा देता रहा। 14 मार्च को फरार होने के बाद से वो लगातार अपनी लोकेशन चेंज करता रहा, साथ ही ट्रेन या प्लेन से सफर करने से बचता रहा, मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था।
तीन राज्यों के 6 अलग अलग होटल्स में वो छुपता रहा, लेकिन सैकड़ों लोगों के भरोसे की कमाई लूटने वाला दलाल आखिरकार पकड़ा ही गया। मैं तो कम से कम शायद 6 साल से तो डील कर ही रहा था ना। So our family investment is 12 lakhs rupees. कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी पेंशन, अपना जीवन भर का जितनी पूंजी थी वो अंबर दलाल के पास लगा रखी थी, और जो पैसे आते थे उन्हीं से उनका घर चलता था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और निवेश सलाहकार अंबर दलाल की फरारी और गिरफ्तारी के बीच किसी क्राइम सस्पेंस जैसी कहानी सामने आई। मीडिया के हवालों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 14 मार्च को जब दलाल लापता हो गया तो पुलिस ने सबसे पहले तो उसे मुंबई में ही जुहू, अंधेरी और दहीसर में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक दलाल मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र से बाहर निकलकर गुजरात पहुंच चुका था। दलाल को अच्छे से पता था कि पुलिस उसे बहुत बेसब्री से तलाश कर रही है, इसीलिए वो गुजरात से पड़ोस के राज्य राजस्थान में चला गया। राजस्थान से दलाल उत्तराखंड पहुंचा, जहां देहरादून जिले के ऋषिकेश में पुलिस ने बुधवार को उसे गिरफ्तार किया। अंबर दलाल ने जितना धोखा अपने निवेशकों को दिया उससे कम चलाकी उसने पुलिस को चकमा देने के लिए भी नहीं की, ताकि खुद को बचा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरारी के दौरान दलाल बहुत जल्दी जल्दी होटल बदलता रहा। इस दौरान वो मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचता रहा ताकि उसका ठिकाना पुलिस को पता ना चले। उसी तरह ट्रेन से भी सफर नहीं कर रहा था ताकि कहीं सीसीटीवी के कैमरे में कैद ना हो जाए। पुलिस को चकमा देने के लिए वो मामूली होटलों में रुकता रहा। साथ ही 12 दिन में दलाल ने 6 होटल बदले। लेकिन पुलिस ने भी ठान लिया था कि चाहे जो भी हो दलाल को कानून तले लाना ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दलाल के फरार होने के 8 दिन बाद 22 मार्च को पुलिस को पहली लीड मिली, जब उसे पता चला कि दलाल तो उत्तराखंड पहुंच चुका है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की एक टीम तुरंत उत्तराखंड पहुंची। पुलिस ने ऋषिकेश के कोतवाली पुलिस थाने की मदद से वहां के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। पुलिस ने एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे तक के सीसीटीवी खंगाल लिए। आखिरकार मुखबिरों से मिली जानकारी और तकनीकी इस्तेमाल से पुलिस को पता चला कि दलाल ऋषिकेश के जेआरएस होटल में ठहरा है, जो बालकनाथ मंदिर के पास है, और फिर 27 मार्च को दलाल पकड़ा गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दलाल पुलिस के डर से छुपा छुपा फिर रहा है। ये भनक उसके घर वालों को भी नहीं थी। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक दलाल ने अपने परिवार को अपनी योजना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि उसके परिवार वालों ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने में उसके खिलाफ मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई थी। हालांकि दलाल के आर्थिक धोखाधड़ी के शिकार लोगों को लगता है कि ये सारा खेल दलाल और उसके परिवार की मिलीभगत का नतीजा हो सकता है। 14 तारीख को भी जब पैसा नहीं आया तो शाम को उनके बेटे का एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था कि पापा जो हैं वो 10:30 बजे से सुबह से स्विच्ड ऑफ है, फ़ोन और मिल नहीं रहे हैं। और मैसेज आया था कोई 5:30-6 बजे के करीब। बट मैंने सोचा कि 10:30 का अगर कोई आदमी घर से गया है, 6 बजे तक वो घर वालों को कैसे पता लग गया? तो मुझे कुछ डाउट हुआ, क्योंकि उसमें ये लिखा था कि कुछ दिनों में हम बताएंगे आपको। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने उस मैसेज को पढ़ते ही मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, और हम सीधा उनके घर गए। और घर गए तो वहाँ पे भी 5-6 लोग और बैठे हुए थे। उनसे पूछा, उसके बेटे से पूछा, उनके घर में उनके माँ बाप थे सब थे। तो उन्होंने कहा कि हमने जो है 24 घंटे बाद पुलिस ने बोला है कि हम FIR लिखेंगे, अभी आप वेट कर लीजिए। बस वो सिलसिला 14 तारीख से शुरू हुआ और कल जाके थमा है। दलाल की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उसका बही खाता खंगालना शुरू किया तो कई जानकारियां मिली। पुलिस ने दलाल के लोखंडवाला स्थित दफ्तर में उसके कंप्यूटर सिस्टम से DVR और NAS ड्राइव को खंगालना शुरू किया तो उसके बैंक खातों की पूरी जानकारी मिली। उसके मुताबिक आर्थिक अपराध शाखा ने दलाल की कंपनी और बैंक खातों के तमाम ट्रांजैक्शन के बारे में 36 बैंकों को लिखा है।
अभी तक दलाल के 20 बैंक खाते सीज किए जा चुके हैं। जाहिर है अब दलाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन उन निवेशकों का क्या होगा जिनकी गाड़ी कमाई का पैसा दलाल ने धोखेबाजी से दबा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।